हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग फिट विद सोनिया। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी, बहुत ही आसान से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले वेट लॉस सैंडविच। ये सैंडविच आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो वेजिटेबल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पनीर यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो बेसिकली ये जो सैंडविच आज हम बनाने वाले हैं इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेंगे, एवरीथिंग इज़ देयर एंड दे आर वेरी 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 टेस्टी। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में और हम जल्दी से बनाते हैं वेज हेल्दी वेट लॉस सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है क्यूक्यूम्बर। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है वेट लॉस के लिए, इसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती हैं। एंड देन हम ले रहे हैं चॉप्ड टोमेटो और फिर मैंने यूज़ की कैप्सिकम। कैप्सिकम आप देखिए कोई सी भी ले सकते हैं, रेड, येलो या ग्रीन, जो भी अवेलेबल हो। एंड देन ऑनियन, ये आप सारी चीज़ें एकदम बारीक बारीक चॉप कर लीजिए एकदम अच्छे से। एंड देन हम इसमें यूज़ करेंगे 2 बड़े चम्मच दही। दही के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड देन हम इसमें ले रहे हैं थोड़ा सा चीज़, पनीर। तो पनीर बहुत ही अच्छा है प्रोटीन, बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है एक्चुअली। तो आप पनीर को भी अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर इंक्लूड कीजिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। देन थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम लेंगे और फिर हम लेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। देखिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली कम ही रखिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसे बहुत हैप्पी होके खाते हैं, तो मैं नॉर्मली चिली कम ही प्रेफर करती हूँ। बट अगर आप थोड़ा स्पाइसी करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड देन बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें ऑल टुगेदर मिक्स हो जाएँ। फिर हम बस 2 ब्राउन ब्रेड मैंने इसमें यूज़ किए हैं और ये है मेरी धनिया और पुदीने की चटनी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है और लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चटनी यूज़ करने से सैंडविच का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। तो ये आप चाहे तो दोनों ब्रेड पर लगाइए या चाहे आप एक ब्रेड पर लगाइए। मैंने दोनों पर लगाई है क्योंकि मुझे थोड़ा इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे दोनों पर लगा कर काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपके बच्चे भी आप इसे खिलाएंगे, बच्चों को देंगे, तो बच्चों को डेफिनेटली ये बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइस रख सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हैं तो। बट यस, वी आर मेकिंग इट फॉर द वेट लॉस, तो आप इसे बिना चीज़ स्लाइस के ही बनाइए, अच्छा है। और बिलीव मी, आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा एंड इट्स वेरी गुड फॉर वेट लॉस। बस अब इसे फटाफट से हम ग्रिल कर लेंगे और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। सैंडविच हमारे एकदम रेडी हो गए और देखिए कितना क्रंची क्रंची साउंड कर रहा है। एंड बिलीव मी, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और बहुत ही हेल्दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इट्स लुकिंग सो गुड एंड इट्स सो यमी। तो देखा आपने ये सैंडविच बनाना कितना आसान है और ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी है फॉर वेट लॉस। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी डाइट में इसे इंक्लूड कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफाई होता रहे जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ। तो टेक केयर, स्टे हेल्दी, आई विल सी यू सून, बाय।